दोस्तों मधुमिता किचन में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे बचपन का एक मज़ेदार नाश्ता जो मेरी माँ हम भाई बहन के लिए अक्सर शाम को बनाते थे, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग ये रेसिपी पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं इधर एक प्रेशर कुकर लिया है और एक घंटा पहले मैं मटर कढ़ाई भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। 50 ग्राम है, इसमें डालेंगे हाफ कप पानी और डालेंगे छोटा एक आलू का टुकड़ा, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून मस्टर्ड ऑयल। अभी मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी और 2 से 3 सीटी देंगे, फिर स्टीम निकल जाने तक वेट करेंगे। दोस्तों नॉर्मल हो गया है, अब ये प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अच्छे तरीके से नरम हो गया है दाल। अभी जो मैं एक टुकड़ा आलू का दिया था वो थोड़ा सा मैस्ट कर देंगे, देखिए ऐसे। अभी मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मैं एक कटोरी लिया है, उसमें लिया है बनाना लीफ, ये मुझे बहुत ही पसंद है बनाना लीफ से खाने में। ऐसे ही बचपन में हम लोग अक्सर नाश्ता करते थे, बहुत ही मज़ा आता था। दोस्तों आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके ऊपर डालेंगे नींबू का रस एकदम कम, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। तो देखिए दोस्तों रेडी हो गया है एकदम चट जल्दी बनने वाला मेरा शाम का नाश्ता। ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।